इंदौर पुलिस ने चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले एक गिरोह को पकड़ा है। वहीं इन चोर गिरोह ने पलासिया थाना क्षेत्र में पिछले दिनों 13 लाख रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। उन्हें पुलिस ने पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। बताया जा रहा है कि पकड़े गए आरोपी जल्द ही लखपति बनना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। वहीं बताया जा रहा है कि चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों की गाँव में जमीन और मकान गिरवी रखे हुए हैं और उन्हें छुड़वाने के लिए वह शहर में चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। वहीं पकड़े गए आरोपियों के पास 13 लाख रुपए नकद और अन्य सामान जब्त किया है। फिलहाल पकड़े गए आरोपियों से पुलिस शहर की अन्य चोरियों के बारे में भी पूछताछ करने में जुटी हुई है। थाने में एक बड़ी चोरी के आरोपी पकड़े गए हैं और उनसे 13,10,000 रुपए बरामद हुए हैं। इसमें एडिशनल एसपी जोन 1 और सीएसपी संयुक्तागंज और थाना पलासिया के स्टाफ ने इसमें अच्छी मेहनत करते हुए इसमें चोरी के कुछ दिनों के भीतर ही श्रीपाल उर्फ यशपाल और हर्ष उर्फ अन्नू ये दो लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। ये इसमें जो पहला आरोपी है श्रीपाल उर्फ यशपाल ये शादी चौका गाडरवारा का मूल निवासी है और इसका साथी हर्ष उर्फ अनु पटेल ये करौन थाना निषादपुरा भोपाल का रहने वाला है। इसमें घटना इस प्रकार से है कि 2 जुलाई को फरियादी शुभम बड़जातिया ने ये रिपोर्ट किया था कि उनके घर से कुछ ये उनके भाई प्रॉपर्टी का काम करते हैं और उनका कुछ कैश रखा हुआ था वो घर से गायब है और प्रथम दृष्टया संदेह में इन्होंने घर ये श्रीपाल जो इनके यहाँ काम करता था उस पर संदेह जाहिर किया था। इसमें 381 IPC का प्रकरण पंजीबद्ध होकर के विवेचना की जा रही थी। जो फरियादी के बताए अनुसार संदेही को जब हिरासत में लेकर के पूछताछ की गई तो उसके द्वारा चोरी करना स्वीकार किया गया। 15 लाख रुपये कुल इसने चोरी किए थे और इसमें जो मुख्य आरोपी है इसने जो इसका दोस्त है हर्ष उर्फ अन्नू पटेल इसके पास में रखवा दिए थे। त्वरित गति से कार्रवाई करते हुए इसमें टीम में सब इंस्पेक्टर आशीष और उनके साथ में आरक्षक इन्होंने कार्रवाई करते हुए ये दोनों आरोपियों को न सिर्फ गिरफ्तार किया बल्कि उसमें से 13,10,000 रुपये और साथ में जो घटना में मोबाइल चले गए थे उनको भी बरामद किया है और एक अच्छी चोरी के प्रकरण में अच्छी सफलता के लिए पूरी टीम को बधाई दी जाती है। और जो जो मुख्य इसमें जो टीम के सदस्य हैं उनको 10,000 रुपये नकद पुरस्कार दिया जा रहा है।